सीधे वाली टेप कभी नहीं लगती, साइड वाली टेप पहले लगती है उसमें। ब्रिजस्टोन। इसमें भी जो ब्रिक का साइज लेने के लिए टेप उसी हिसाब से रखनी पड़ती है। जी जी। अलग अलग साइज ले सकते हो दीवार के हिसाब से। जी जी। मैंने 3 इंच का रखा साइज में। अभी अंदाज लगा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले निशान लगा लो, निशान लगाने के बाद ही काम करना। क्या कर रहे थे, उसमें दाना निकाल रहे थे, दाना तक पहुंच रहे थे हम लोग।
बनाते थे उसमें क्या करते थे, हम उसमें ब्रेक नहीं बनाते थे, इसमें है ना, इसमें हम ब्रेक बना रहे हैं। वो जो सारा बनाए थे वो थोड़ा इसमें ये मास्किंग में छोटी लगाना चाह रहा था लेकिन वो दिखली 45 ठीक है, लेकिन छोटी मास्किंग रहेगी तो ग्रूव अच्छा लगेगा इसका, पतली पतली मास्किंग में ग्रूव अच्छा लगेगा। हाँ बड़ी, वैसे बड़ी दीवार है तो बड़ी मास्किंग यूज कर सकते हो, इसमें तो बड़ी पैटर्न में भी अच्छा लगेगा, बड़े में भी अच्छा लगेगा, छोटे में ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा बड़ी बन जाएगा फोटो बाई फोटो का, तब भी इस तरह से बैटर रहेगा। बाकी ये सूख जाएगा तो इसमें ये जो निकला हुआ माल ना सूख जाएगा तो इसको हल्का तुम रेग मार लगा सकते हो उस पे, उस पे टॉप कोट करोगे, नीचे वाला भी टैप निकाल दो सर, क्या उसको कलर करना पड़ेगा, रेग मार लगेगा सर, ठीक है हल्का रेग मार मार दूंगा। ये तो बहुत मस्त लग रहा है। इसमें तुम एक और तरीका कर सकते हो, इसमें नीचे बेस कोट ले सकते हो प्राइमर के ऊपर, प्राइमर के ऊपर बेस कोट लो, उसके बाद फिर ये लगाओ, फिर काम करो, सेम क्रिटेक्स का मटेरियल है।